चढ़ गई तो गई है यार, हाँ टाइट हो गई है दोनों हाथों से। ओरियो जंप और फ्रेंड्स, इसका ये सब ध्यान देने का मतलब यही होता था कि ये मुझे फैशनेबल बनाना चाहती थी, क्योंकि मम्मा ये सब अलाउड नहीं करती थी, तो मैं बहुत ही सिंपल थी, पर ये मुझे कहती रहती थी कि थोड़ा फैशन कर ले, थोड़ा फैशन सीख ले। बट अब तो आ गई, हाँ शाबाश शाबाश मेरी मिट्टी के शेर। मिट्टी के शेर होते तो फ्रेंड्स, ये हमारी मस्ती चल रही थी, मतलब मैंने जब ये कोट पहना तो मेरे सूट की जो स्लीव्स थी वो ऊपर चढ़ गई थी, जो मुझसे नहीं नीचे निकल रही थी। वैसे तो मैं धीरे धीरे नीचे निकाल लेती, रोज तो मैं ही निकालती हूँ, लेकिन सीमा निकालने में वो हेल्प कर रही थी। और ये फ्रेंड्स, आज काफ़ी दिनों के बाद मैं एक गैरेज है हमारे घर के पास, वहाँ पर इनकी ग्लैमर रखी थी तो वो निकाली। ये ग्लैमर अभी हम सीमू के घर पर रखवा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कायनात दी वर्ल्ड। आप सबका मेरे चैनल कायनात दी वर्ल्ड में स्वागत है। कैसे आप सब आई हो, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी आप सबकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल अच्छी हूँ। आज ही मेरी फ्रेंड आई है सीमू, और अभी मैं इसके साथ में आई हूँ टेलर के यहाँ। इसका पहला काम यही होता है, यहाँ आती है इसको पहले यहीं भागना होता है मेरे साथ। अभी तो अमीन दिशा में जाएगी, ये फेवरेट प्लेस हम दोनों की, तो अभी हम लोग वहाँ भी जाएंगे। तो इसका पहला काम था ये, आती है खाती पीती कुछ नहीं है, इसको यहाँ आना होता है। तो अभी ये जल्दी से यहाँ पर आई है हमारे दानिश भाई के यहाँ पे फैशन बुटीक में। बस अभी हम इनके ये कपड़े दे लें, फिर हम अमीर निशा निकलते हैं, फिर इसकी हरकतें दिखाऊंगी वहाँ पे कितना टाइम लगाएगी। और फ्रेंड, जब तक सीमा अपनी ड्रेस का मेजरमेंट दे रही थी तब तक हमने यहाँ पे मॉडलिंग कर ली, मिरर मिल गया ना इसलिए। दिखा रही हूँ इसको, दिखा दूँ पहले अपनी जान को। हाँ अब देखना ही तमीज से बैठेगी। अब देखना कितनी तमीज वाली बन जाएगी। मैं आऊंगी यार, थोड़ी सी तमीज से। और ये मिला मुझे नन्ना सब्सक्राइबर, जो मुझे पहचान गया वहाँ। और फ्रेंड, सीमा को कुछ वूलन क्लॉथ लेने थे, उसे कोई उसे मेरे जैसा कोट चाहिए था, तो वही हम लोग देख रहे थे वहाँ पर उसे कुछ खास पसंद नहीं आ रहे थे। और ये फिर हमने कुछ ग्लव्स ट्राई किए, क्योंकि गाड़ी चलाते हुए हमें बहुत ज़्यादा हाथों में ठंडी लगती है, तो इसलिए ग्लव्स भी चाहिए थे। और वो भाई हमें देख के बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि ये राइडिंग करने के लिए हैं। मैंने कहा हाँ, तो मैं राइडिंग ही करती हूँ, मैं बाइक चलाती हूँ, मुझे चाहिए वही वाले ग्लव्स। लेकिन कुछ खास पसंद नहीं आए तो फिर नहीं लिए। फ्रेंड्स, अभी हम जा रहे हैं अपनी जैकेट उठाने के लिए, ट्रैकिंग के लिए दी थी और उन्होंने शाम को 7:30 बजे का टाइम दिया था, इसलिए अब हम जा रहे हैं अपनी जैकेट लेने के लिए। और सीमा अपने घर चली गई थी, उसको भी लेट हो गया था तो वो घर चली गई थी, तब तक हम लोग घर पे थे। और तब तक मैंने थोड़ी रील बनाई, शॉर्ट्स बनाया अपना। अब टाइम हो गया है तो अब फिलहाल मैं जा रही हूँ अपनी अपनी जैकेट लेने। तो वो वाइट थी ना, तो उसमें थोड़ा सा कुछ दाग सा हो गया था, तो इसलिए मैंने उसको दी थी ड्राई क्लीन के लिए। और उन्होंने बोला था कि शाम को डिलीवरी टाइम होता है, तो तब तक हम लोग वहाँ पे मार्केट में क्या करते थे, इसलिए हम घर आ गए थे। और अब हम जा रहे हैं जैकेट लेने, बाय। और फ्रेंड्स, कल ये मेरा खूबसूरत सा चश्मा दब गया था थोड़ा सा, मतलब बहुत ही प्यारा सा है वो, नाजुक सा है, तो जल्दी उसको कुछ हो जाता है, तो वो थोड़ा लूज़ हो गया था, मतलब ख़राब हो गया था, तो उसी को मैं ठीक करवाने के लिए आई। पहले मैंने अपना चश्मा ठीक करवाया, उसके बाद में फिर मैं ड्राई क्लीनर के पास गई। मेरे ब्लॉग में आएंगे ना आप।
और फ्रेंड्स ये रही मेरी व्हाइट जैकेट जो ड्रैगिंग हो गई है, अब मैं इसे मजे से पहनूंगी। ये बन रहा है मम्मा। हाँ। कौन है ये, पहचानो कौन, ये क्विज कॉन्टेस्ट है। इसके वाले पहचान जाएंगे कौन है। और ये मिल गई फौजिया, दर्शा की कजन, और शादी में दर्शा ने मुझे सबसे मिलवाया है ना, तो अब मुझे सब पहचान गए, मैं भी उनसे मिलती हूँ तो अच्छा लगता तो है। तो फ्रेंड्स आज बड़ा ही बिजी दिन रहा, वैसे तो मेरा दिन हर दिन बिजी ही रहता है, पर जैसा कि आप लोगों ने देखा कि मैं सीमू के साथ में मार्केट गई थी, वो बड़ी कंफ्यूज करेक्टर रहा। लेकिन हाँ उसको जो चाहिए था वैसे आज वो समझ में उसको आया भी नहीं, तो देखिए वो एक दो दिन में फिर ट्राई करेगी। तो मुझे उसके साथ बहुत मजा आता है, वो मेरी चाइल्डहुड फ्रेंड है, और कहा जाए तो हम लोगों ने 12th साथ में किया था और कॉलेज भी हम लोगों ने साथ में किया था, और फिर हम लोग अलग अलग हो गए। मथुरा से मैंने कॉलेज किया था और उसके बाद में ट्रांसफ़र की वजह से फिर मैं गुजरात चली गई, और इत्तेफाकन वो मुझे यहाँ अलीगढ़ में मिल गई है, तो मुझे उससे उसके साथ में बहुत अच्छा लगता है। और मिल क्या गई है, वो रहती आगरा में है, छुट्टियों में वो अलीगढ़ में आती है, उसके हस्बैंड यहाँ से जॉब करते हैं, तो छुट्टियों में आ जाती है, जब वो आ जाती है तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है उसके साथ में, काफ़ी मस्ती करने को मिल जाता है मुझे, मेरे जैसी है वो, बहुत ही स्वीट है, बहुत ही प्यारी है। और जब स्कूल डेज में थे तो वो मेरा इतना ख्याल रखती थी, मतलब बहुत ज़्यादा मेरा ख्याल रखती थी, टिफ़िन भी मुझे ज़बरदस्ती खिलाएगी, कुछ एक दो दूसरी फ्रेंड थी तो उनसे बचा बचा के वो मुझे खिलाती थी कि तुम खाओ, मेरा ख्याल रखेगी हर चीज़ में कि कैसे क्या करना है क्या नहीं करना है। और अब वो मुझे इतने दिनों के बाद में ऐसे मिल गई थी यहाँ पर, तो मुझे बहुत उसके साथ अच्छा लगता है। तो बस वो छुट्टियों में आती है और फिर हम लोग इन्जॉय करते हैं। तो चलिए फिर आज का यहाँ पे मैं ब्लॉग एंड करती हूँ, आप लोग अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए, सेफ रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और मेरे ब्लॉग देखते रहिए। अल्लाह हाफिज, टेक केयर, बाय, जय हिंद, जय भारत। मम्मा।